Hello children, how are you? I hope you all are good and ready for study. Very good. So today we are going to recite a beautiful poem which name is Stopping by Woods on a Snowy Evening. Okay. So here is first word. The first word means kebach. Wood Woods means hota hai. forest. jungle ko kabol woods. Okay, next is cure. क्योर क्या होता है बच्चे स्ट्रेंज थिंग होना ठीक है कोई चीज हमें स्ट्रेंज लगती है एकदम अचानक से कॉल्ड क्यूर हार्डनेस हार्डनेस मीन्स होता है एंड अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रैप्स स्वीप स्वीप मीन्स होता है मूवमेंट ठीक है किसी भी चीज की मूवमेंट होती है उसके अंदर चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत तो मूवमेंट के साथ एंड डाउनी डाउनिंग मींस होता है लाइक सॉफ्ट फैदर ऑफ फ्लाइडर होते हैं ना बच्चे तो उन्हीं को क्या बोला गया है डाउन यहाँ से बताया गया है सो लेट्स बिगिन बच्चों हुज वर्ड्स दीज आर आई थिंक आई नो हिज हाउस इज इन द विलेज थो ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वर्ड्स फिल्ल अप विद स्नो सो यहाँ पर हुस्त वर्ड्स दीज आर आ जो ये वर्ड्स है ये मुझे पता है कि ये किस तरह के हैं और मैं इनके बारे में क्या सोचता हूं और मैं इनके बारे में अच्छे से जानता भी हूं आई नो और जो हिज हाउस इन विलेज और जो विलेज में जो घर है उसका जो घर है He He will not see me stopping here. So, He will not not see see me me stopping here. और जैसे मैं बढ़ रहा हूँ आगे अब जो यहाँ पे स्ट्रेन सिंह क्या हो रही है बच्चे जो भी यहाँ पे अजनबी बैठा हुआ है जो ये पैसेंजर है वो मूवमेंट किए जा रहा है जा रहा है राइडिंग कर रहा है. और वो वुड्स में जा रहा है तो वुड्स में वहां पे उसको घर भी नजर आएंगे ठीक है जंगल में बहुत तरह के पेड़ पौधे भी नजर आने वाले हैं तो वो उनको देख के बोल रहा है कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा उनको देखने से और मैं देखूंगा वुड्स वु फिलअप विद स्नो और जो किससे भरा हुआ है स्नो से स्नो क्या होती है बच्चे बर्फ से ओके बर्फ पड़ती है ना तो स्नो से पूरा फिलअप हो रखा है वुड्स माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट थिंग टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So मेरा जो एक छोटा सा घोड़ा है little horse है तो ये कुछ ऐसा सोच रहा है लेकिन मैं इसको देखकर क्या सोच रहा हूँ ये तो जो सोचेगा सोचेगा लेकिन मैं जो इसको देखकर सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेंज हो चुका है स्ट्रेंज कैसे हो गया बच्चे क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो पड़ रही है ठीक है और वहाँ पर कोई भी फार्म हाउस भी नियर नहीं है और उसके ऊपर बर्फ से वो पूरा ऐसे हो चुका है कि वो अब चल भी नहीं पाएगा वहीं पर स्टॉप हो गया है बिटवीन द द एंड फ्रोजन लेक के बीच में अब ये कैसा डार्केस्ट इवनिंग ऑफ़ ईयर है, है। यहां पर, कि वहां पर इस तरह से मैं पूरा हिल चुका हूं थोड़ा परेशान भी हो गया हूं कि अब मैं कहा जाऊं क्योंकि मेरा हॉर्स तो रुक चुका है उसको आगे प्रॉपर तरीके से रास्ता भी नजर नहीं आ रहा और इस वजह से प्रॉपर तरीके से मैं जो लेक के बीच में फंस गया हूं तो मैं कैसे इससे बाहर निकलूंगा और क्या ये मेरी एक मिस्टेक थी द ओनली अदर साउंड स्वीप और इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक और कैसा वहां पर देखिए बच्चे जब कहीं पे बर्फ पड़ती है तो वहां पर हवाई जब चलती है ना तो बिल्कुल चिल्ड हवाई चलती है विंड जो है वो बिल्कुल ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक की तरह वहाँ पर हो जाती है कि उसके जो फैदर्स हैं वो बर्फ पड़ने की वजह से कितने हो गए हैं बिल्कुल सॉफ्ट और वाइट नजर आ रहे हैं वैसे हो गए मेरे हॉर्स के फैदर्स द वर्ड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमसेस टू कीप

उन फॉरेस्ट के अंदर से वुड्स के अंदर से मेरे को चलते ही जाना है कंटिन्यू ओके स्टूडेंट्स? एंड दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इनके थ्रू ये वाली पोम लिखी गई है तो so, एप्रीसिएशन और देख लेते हैं बच्चों सो ऑफ़ द पोम दिस लास्ट फोर लाइन्स ऑफ दिस पोम वर फाउंड रिटन ऑन जवाहरलाल नेहरूज डेस्क The poet wishes to say in the poem that the rider has stopped in the forest which belongs to a person whom he knows. The forest will soon fill up with snow and his horse too will think it cured

नेहरू के थ्रू वो डेस्क लिखी गई है ओके और जो पॉइंट है वो विश कर रहा है इन चीजों को कि जो पॉइम है वो एक राइडर के थ्रू है क्योंकि राइडर कौन है जो घोड़ा चला रहा है वो राइडर है कि उसको फॉरेस्ट के बीच में से जाना है वो बिलोंग करता है अलग अलग लोगों से वहाँ पे मिलता है लेकिन वहाँ पर लोग वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इतना ज़्यादा बर्फ वहाँ पर पड़ी हुई है लेकिन फॉरेस्ट के अंदर से वो चलता ही जाएगा फॉरेस्ट के अंदर से जो स्नो पड़ी हुई है बर्फ पड़ी हुई है हर जगह तो जिसकी वजह से उसका जो हॉर्स है वो भी थक चुका है और रुक चुका है और वो ऐसी जगह पर रुक गया है ऐसी प्लेस पर रुक गया है जहाँ पर आसपास फार्म हाउस भी नहीं है इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है उसको चलने में तो लेकिन वो पूरा साल उसको चलते ही रहना है बिना सोए क्योंकि उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था दिस इज एंड ऑफ द पोम बच्चे और ये अप्रिसिएशन हमने पढ़ी लिया है और इससे रिलेट करती एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ